Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11th एंटरप्रेन्योरशिप के चैप्टर 1 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मिथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि मिथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोई भी की पॉइंट आपका मिस ना हो. सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताती हूँ मिथ का. देखो, मिथ का मतलब होता है काल्पनिक विचार. मिथ का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानियां. देखो, कई बार क्या होता है कि लोगों के मन में कुछ ऐसे काल्पनिक विचार होते हैं, ऐसे आइडियाज होते हैं, ऐसी स्टोरीज होती हैं जो फॉल्स होती है, जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं होती, लेकिन लोग उन पर विश्वास करते हैं. इन्हें हम कहते हैं मिथ. तो इसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड भी लोगों के माइंड में कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, ऐसे आइडियाज हैं जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं होते हैं, लेकिन लोग उन पर विश्वास करते हैं. तो क्या वो स्टोरीज हैं, क्या लोगों के बिलीफ हैं, वो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी. सबसे पहली मिथ आती है स्टार्टिंग अ बिजनेस इज इजी. लोगों का मानना क्या है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत आसान है, किसी भी स्टार्टअप को इजीली एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ये एक फॉल्स बिलीफ है जिस पर लोग विश्वास करते हैं. वास्तव में ये सच नहीं है. ये सच क्यों नहीं है, इसके बहुत सारे रीजन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. हु बिगिन द प्रोसेस फेल टू गेट वन अप एंड रनिंग. देखो, ज्यादातर स्टार्टअप फेल होते हैं. जब भी कोई एंटरप्रेन्योर किसी भी स्टार्टअप को शुरू करता है, प्रोसेस को बिगिन करता है, तो वो फेल हो जाता है सर्वाइवल में ही. फेल टू गेट वन अप का मतलब क्या हुआ कि जब वो बिजनेस को मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाता, वो बिजनेस को स्टैंड करने में ही फेल हो जाता है, तो आगे स्मूथ रनिंग और फंक्शनिंग की तो बात ही अराइज नहीं होती. तो ज्यादातर बिजनेस तो शुरुआत में ही फ्लॉप हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? देखो, इसके दो रीजन हो सकते हैं. पहला रीजन क्या हो सकता है कि जो प्रोडक्ट डिजाइन किया है, जो प्रोडक्ट इन्वेंट किया है, इंट्रोड्यूस किया है एंटरप्रेन्योर ने, हो सकता है उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट में डिमांड ही ना हो. दूसरा रीजन हो सकता है कि जो सर्विस वो प्रोवाइड करने के लिए स्टार्टअप शुरू कर रहा है, हो सकता है लोगों को उस सर्विस की कोई रिक्वायरमेंट ही ना हो. तो इस तरह से ये मेन रीजन कंसिडर किए जाते हैं जब कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप फेल होता है. तो दूसरा पॉइंट आता है 7 इयर्स आफ्टर बिगनिंग द प्रोसेस ओनली 1/3 ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैव अ न्यू कंपनी विथ पॉजिटिव कैश फ्लो ग्रेटर देन एक्सपेंसेस. देखो, जब भी कोई स्टार्टअप शुरू किया जाता है तो उसे एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करने में बहुत साल लग जाते हैं. मिनिमम 7 इयर्स तो लग ही लग जाते हैं. 7 साल किसी भी बिजनेस को शुरू करने के बाद केवल 1/3 ऑफ एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जिनके पास पॉजिटिव कैश फ्लो होता है जो उनकी एक्सपेंसेस को कवर करता है. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जब कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस शुरू करता है तो जरूरी नहीं है उसे सफलता मिले. जितने भी एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो उसमें सिर्फ 1/3 एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं जिन्हें सक्सेस अचीव होता है. और कब अचीव होता है? 7 साल के बाद. देखो, 7 से 10 साल लग जाते हैं एक सक्सेसफुल बिजनेस सेटअप करने में. तो 1/3 एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं जिन्हें 7 साल के बाद एक पॉजिटिव कैश फ्लो होता है, यानी उसे इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाती है जो उसके एक्सपेंसेस को कवर कर लेती है, यानी वो एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज सेट कर लेता है मार्केट में. समझ में आया? तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करके उसे एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करना कोई हंसी मजाक नहीं है. ये एक बहुत टफ वर्क है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है जिस वजह से स्टार्टअप फेल हो जाते हैं. सिर्फ 1/3 ऐसे एंटरप्रेन्योर है जो सक्सेस अचीव करते हैं आफ्टर 7 इयर्स ऑफ बिगनिंग द प्रोसेस. समझ में आ गया?
लेकिन देखो, अगर आपका स्टार्टअप स्मॉल एंटरप्राइज है तो वो इजिली स्टार्ट किया जा सकता है। तो फर्स्ट मिथ आपको क्लियर हो गई। सेकंड मिथ आती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू फाइनेंस न्यू बिजनेस। लोगों का क्या मानना है कि अगर हम कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये लोगों का एक फॉल्स बिलीफ है जिस पर वो बिलीव करते हैं, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, अगर आपके पास इनोवेटिव आइडिया है, प्रॉपर बिजनेस प्लान है, तो आप उसे एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स डिजाइन देयर बिजनेस विद लिटिल कैश। जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके पास क्या होता है, उनके पास सिर्फ इनोवेटिव आइडियाज होता है, उस पर वो वर्क करते हैं। वो सबसे पहले सिचुएशन को पॉजिटिवली परसीव करके उसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। वो अपने बिजनेस को ऐसे डिजाइन करते हैं जिसमें बहुत ही कम कैश की रिक्वायरमेंट होती है। किस तरह से वो डिजाइन करते हैं, जैसे देखो, दी रेंट इंस्टेड ऑफ बाइंग। वो लोग क्या करते हैं कि जमीन को खरीदने की बजाय उसे रेंट पर लेकर फैक्ट्री डाल देते हैं। तो इससे क्या है कि उन्हें फिक्स इन्वेस्टमेंट की एक एसेट जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती और लिटिल कैश से ही, थोड़े से पैसे से ही उनका बिजनेस शुरू हो जाता है। दे टर्न फिक्स कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट। वो क्या करते हैं कि फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, सपोज उन्हें कोई इक्विपमेंट परचेज करना है, कोई मशीनरी परचेज करनी है, तो वो क्या करते हैं कि किसी भी इक्विपमेंट को परचेज करने की बजाय उसे वो आउटसोर्स करवा लेते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उसे ले लेते हैं। तो यहाँ पर उसका जो फिक्स कॉस्ट है वो अराइज नहीं होता, वेरिएबल कॉस्ट में उसे वो कन्वर्ट करके बिजनेस शुरू कर देते हैं। देखो, अगर एक मशीन आप परचेज कर रहे हैं तो वो लाखों रुपए में आएगी, तो उस मशीन को, उस इक्विपमेंट को परचेज करने की बजाय अगर आउटसोर्स करवा लिया जाता है तो ये फिक्स कॉस्ट कन्वर्ट हो जाता है वेरिएबल कॉस्ट में। इसी तरह से दे पे कमीशन इंस्टेड ऑफ सैलरीज। देखो, यहाँ पर वो क्या करते हैं कि एम्प्लॉइज को कमीशन पर अपॉइंट करते हैं, सैलरी पर अपॉइंट नहीं करते। इसके दो फायदे होते हैं। देखो, पहला फायदा क्या होता है कि जब पर्सन को कमीशन बेसिस पर अपॉइंट किया जाता है तो पर्सन हाईली मोटिवेटेड होता है, वो अपने बेस्ट एफर्ट्स देता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो ज्यादा काम देगा तो उसे ज्यादा कमीशन मिलेगा, अगर ज्यादा ऑर्डर लाएगा तो उसे ज्यादा कमीशन मिलेगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे। और दूसरा, उसका फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि देखो, अगर वो सैलरी बेसिस पर एम्प्लॉइज अपॉइंट करता है तो सैलरी बेसिस क्या है, ये फिक्स कॉस्ट है, यानी हर महीने उसे एम्प्लॉइज को सैलरी देनी ही देनी होगी। लेकिन अगर वो कमीशन बेस पर उन्हें अपॉइंट कर रहा है, कुछ परसेंटेज दे रहा है वो ऑर्डर लाने पर, तो यहाँ पर उसके जो फिक्स कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, इन्फोसिस वाज स्टार्टेड विद ₹10,000। इन्फोसिस कंपनी के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये वर्ल्ड की टॉप आईटी कंपनी में से एक है, जो इंडिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। इसको सिर्फ ₹10,000 से शुरू किया था नारायण मूर्ति ने। ये पैसे भी उनकी वाइफ ने उधार दिए थे, उनके पास ₹10,000 भी नहीं थे। तो देखो, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ज्यादा पैसे हो तभी आप किसी भी वेंचर को स्टार्ट कर सकते हैं। इंफोसिस कंपनी, जो आज एक टॉप कंपनी मानी जाती है वर्ल्ड में, ये सिर्फ ₹10,000 से शुरू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इज, स्टार्टअप कैन नॉट बी फाइनेंस्ड विद डेट। लोगों का क्या विश्वास है, क्या मानते हैं लोग, कि कभी भी स्टार्टअप को फाइनेंस नहीं किया जा सकता डेट से, यानी आप बोरोड फंड से कभी भी नया बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। तो ये एक गलत बात है, लोगों की गलत सोच है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर जो स्टार्टअप होते हैं वो डेट पर ही शुरू किए जाते हैं। डेट इज मोर कॉमन देन इक्विटी। किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए, नए बिजनेस को सेटअप करने के लिए डेट का ज्यादा रोल प्ले होता है देन
equity. Entrepreneurs use debt rather than equity to fund their company. Entrepreneurs क्या करते हैं, वो debt के amount को ज्यादा use करते हैं rather than equity. वो अपने business में funding करने के लिए लोगों से पैसा उधार लेकर पैसा लगाते हैं instead of using their own capital. Composition of debt and equity to be worked upon. देखो, जब भी एंटरप्रेन्योर कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो वो एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनाता है. कैपिटल स्ट्रक्चर में वो क्या देखता है कि कितनी अमाउंट उसे डेट से लेनी है और कितनी अमाउंट उसे इक्विटी से रेज करनी है. डेट और इक्विटी, ये तो आप दोनों वर्ड जानते होंगे, कॉमर्स के आप स्टूडेंट्स हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. देखो, डेट का मतलब होता है बोरोड फंड. जो पैसा आप आउटसाइड पार्टी से रेज करते हैं उसे हम कहते हैं डेट. और इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स फंड, यानी जब एंटरप्रेन्योर अपना खुद का पैसा बिजनेस में लगाता है उसे हम कहते हैं इक्विटी. तो एंटरप्रेन्योर बिजनेस में डेट और इक्विटी का कंपोजिशन बनाता है, दोनों का एक प्रॉपर पोर्शन लेता है. देखो, बिजनेस में कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है और इक्विटी शेयर्स की वैल्यू को इंक्रीज करता है. तो ये एक मिथ है कि किसी भी बिजनेस को डेट से स्टार्ट नहीं किया जा सकता. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज बैंक डू नॉट लेंड मनी टू स्टार्टअप. देखो, लोगों का क्या मानना है कि कभी भी स्टार्टअप के लिए बैंक पैसा उधार नहीं देता है. ये भी गलत बात है, लोगों की गलत सोच है, लोगों का एक फॉल्स बिलीफ है. बैंक एंड वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड विद द आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू बडिंग एंटरप्रेन्योर्स. देखो, जब आप बैंक के पास जाकर आप अपने इनोवेटिव आइडिया के बारे में बताते हैं, प्रॉपर बिजनेस प्लान के बारे में बताते हैं कि अगले 5-7 साल में मेरे बिजनेस का ये ग्रोथ होगा, तो हमेशा बैंक कन्विंस्ड होगा आपको मनी उधार देने के लिए, मनी लेंड करने के लिए. कभी भी वो डिनाई नहीं करेगा. क्यों डिनाई नहीं करेगा? उसे पता है कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं. बैंक कहाँ डिनाई करता है लोन देने के लिए? जहां उसे लगता है कि उसके प्रिंसिपल अमाउंट की इंटरेस्ट के साथ रिकवरी नहीं होगी, वहां पर बैंक कभी भी उधार नहीं देता. तो अगर आपका आइडिया इनोवेटिव है, आपके पास एक प्रॉपर बिजनेस प्लानिंग है और आपको पता है कि फ्यूचर में आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, तो हमेशा आपको बैंक लोन दे देगा. इसी तरह से गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट की है जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है उनके बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए. बडिंग का मतलब क्या होता है? बडिंग का मतलब होता है ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर्स. इसी तरह से गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट की है बडिंग एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस करने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, वेंचर कैपिटल. तो ये ऐसी स्कीम है जिनसे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर है, ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर है, अपने स्टार्टअप के लिए इजिली फाइनेंस अवेलेबल कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट एंटरप्रेन्योर स्टार्ट बिजनेस इन अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज. देखो, लोगों का मानना क्या है कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस शुरू करते हैं अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में, लेकिन ये भी बहुत गलत सोच है, लोगों की गलत धारणा है. ऐसा नहीं है कि अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में ही बिजनेस शुरू किया जाए. लोग अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरह के बिजनेस शुरू करते हैं. इसे आप समझ सकते हैं कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टिंग बिजनेस इन एन इंडस्ट्री एंड नंबर ऑफ कंपनीज फेलिंग इन इंडस्ट्री इज 0.77. देखो, यहाँ एक कोरिलेशन दिखाया गया है नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एक इंडस्ट्री में, और दूसरा नंबर ऑफ कंपनी जो फेल हो रही है इंडस्ट्रीज में. तो वो कोरिलेशन है 0.77. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है महिमा मेहरा स्टार्टेड हाथी छाप अ न्यू वेंचर वेयर डिफरेंट रॉ मटेरियल एलिफेंट डंग वाज यूज्ड टू मेक हैंडमेड पेपर. महिमा मेहरा ने एक नया वेंचर स्टार्ट किया, उसने हैंडमेड पेपर बनाया एक अलग तरह के रॉ मटेरियल को यूज करके,
और उस पेपर को उसने नाम दिया हाथी छाप। उसने इस हैंडमेड पेपर को हाथी छाप ही नाम क्यों दिया? क्योंकि देखो, इस पेपर को बनाने के लिए उसने एलिफेंट डंग को यूज किया था। एलिफेंट डंग का मतलब होता है हाथी का गोबर। हाथी के गोबर को यूज करके उसने हैंडमेड पेपर बनाया और उस हैंडमेड पेपर को उसने नाम दिया हाथी छाप। अब देखो, आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर अराइज होगा कि एलिफेंट डंग को ही पेपर बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में क्यों यूज किया गया? देखो, जो एलिफेंट होता है इसका डाइजेशन ज्यादातर खराब होता है। जो भी फूड वो खाता है उसका 50% ही डाइजेस्ट कर पाता है, बाकी रिमेनिंग फूड को वो एज अ वेस्ट निकाल देता है। तो इसके फूड में फाइबर बहुत ज्यादा होता है जिसे हम यूज कर सकते हैं एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग हैंडमेड पेपर। क्लियर? तो देखो, महिमा मेहरा का जो ये वेंचर था, जो ये बिजनेस था, ये सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट हुआ और ये अभी ग्रो कर रहा है। ग्रो क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो, जो पेपर हम ट्रीज को काट कर बनाते हैं, ट्रीज काटने पर तो आपको पता है बैन लगाया गया है, तो अगर इस तरह के वेस्ट से पेपर बनाया जाए तो उसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये लोगों की बहुत गलत सोच है कि अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में ही नया बिजनेस शुरू किया जा सकता है। किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपके पास आइडिया इनोवेटिव है तो आप एक नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, जो किया है महिमा मेहरा ने। क्लियर? और इसका लास्ट पॉइंट आता है, मोस्ट एंटरप्राइजेस आर सक्सेसफुल फाइनेंशियली। देखो, लोगों का मानना है कि जो भी नए नए एंटरप्राइजेस हैं, सारे एंटरप्राइजेस सक्सेसफुल है फाइनेंशियली, यानी वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। तो ये भी लोगों की एक गलत सोच है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स अ लॉट ऑफ वेल्थ बट इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो, ये बिल्कुल सही बात है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बहुत सारी वेल्थ को क्रिएट करता है, जनरेट करता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं बचता, वो उसे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्योंकि देखो, यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर है, सारे ओवरहेड, सारे एक्सपेंसेस उस अकेले को ही बेयर करने होते हैं, तो उसके पास तो कुछ भी नहीं बचता। जो भी वो वेल्थ क्रिएट करता है सारी वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ओनली टॉप 10% ऑफ एंटरप्रेन्योर्स अर्न मोर मनी देन एम्प्लॉइज। ऐसा माना जाता है कि टॉप 10% ही ऐसे एंटरप्रेन्योर है जो अर्न करते हैं मोर देन एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉइज से ज्यादा सिर्फ 10% ही ऐसे एंटरप्रेन्योर है जो अर्न करते हैं। अदरवाइज जो भी एंटरप्रेन्योर है वो हमेशा एम्प्लॉइज से कम ही अर्न करते हैं। देखो, जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको तो जो सैलरी होती है वो फिक्स मिलती है और मंथली बेसिस पर मिलती है, लेकिन एंटरप्रेन्योर की कोई भी इनकम फिक्स नहीं होती है, किसी तरह की अर्निंग उनके फिक्स नहीं होती है, क्योंकि उनको सारे ओवरहेड्स देखने होते हैं, सारे एक्सपेंडिचर्स देखने होते हैं, तो उनके पास ज्यादा कुछ नहीं बचता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि सारे एंटरप्रेन्योर फाइनेंशियली स्ट्रोंग है, तो ये भी लोगों की एक मिथ है। क्लियर? होपफुली आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू सो मच।